हप्ती मैया, शिव जी से मांगा तो क्या मांगा, आपका स्वरूप, आपके भीतर की शीतलता, आपके भीतर की शांति, आपके भीतर की करुणा, आपके भीतर की दया। किसी में वो करुणा नहीं होगी, किसी में वो वात्सल्यता नहीं होगी जो देवाधिदेव महादेव में है। यहां जितते बैठे हो ना, जितते और जितते तुम्हारे अड़ोस पड़ोस और पीछे धड़ोस में रहते हैं, तो कहते ना अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन, पीछे जो रहती ना वो धड़ोसन, ठीक है। तो जितते रहते हैं उनको भी अजमा लेना, तुम्हारे परिवार में जितने रहते हैं उनको अजमा लेना। शंकर भगवान जैसी वात्सल्यता, शंकर भगवान जैसी करुणा, शंकर भगवान जैसी वात्सल्यता शायद किसी में होगी कि सारे देवताओं ने अमृत पिया और महादेव के पास में विष भेज दिया, उसके बाद में मुस्कुरा कर पी गया वो देवाधिदेव महादेव। जो अमृत पिए वो देव कहलाता है, जो विष पिए वो महादेव कहलाता है। अब है महादेव जैसी किसी में वात्सल्यता? अभी पांच छह देवरानी जेठानी और एक जेठानी ने अपने बच्चे को जो दूध दिया उसमें मलाई डाल के दे दी, उतने में तीन चार देवरानियों के मुंह फूल जाएंगे उतनी देर में। हमारा पति भी दिन भर कमाता है, हमारा पति भी दिन भर काम करता है, और तुमने अपने पति को दूध में मलाई डाल के दे दी, कैसा डाल के दे दिया तुमने अपने पति को, इतना घी लगा दिया तुमने, उसको ज्यादा हिस्सा दे दिया, उसको कम हिस्सा दे दिया, उसको ये प्रदान कर दिया, उसको वो प्रदान कर दिया, कितना कितना। हमको अगर प्रसाद भी मिल रहा है ना, तो हम उस प्रसाद में, बेचारा देने वाला व्यक्ति तो अपने हाथ से दे रहा है, अब जल्दी जल्दी में हो सकता है किसी को कम आ गया, किसी को ज्यादा आ गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, अब जल्दी में करेगा क्या उसी तरह, तो क्या हम उसमें भेद देखेंगे? जरा विचार करिए अपने भीतर, इस बात की विचारता रखिए थोड़ा। अमृत देवताओं को मिला, उसके बाद भी मेरे महादेव ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अमृत नहीं मिला। महादेव ने देखा, पार्वती मैया बोली तुम्हारे पास में विष आया है, शंकर भगवान बोले जो आया अच्छा आया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या सोचना। उसमें विचार क्या करना है, जो आया है वो कम नहीं है, जो मिल गया उसमें कोई गम नहीं है, बस ठीक है, पाया ना बहुत है। तो तुम विष पियोगे देवाधिदेव महादेव, तुम विष पियोगे? शंकर भगवान बोले मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा, तू मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगनी का मतलब होता है आधे हिस्सेदार। तो विष कौन पिएगा? शंकर भगवान बोले घर में पुरुष को विष पीने की जरूरत नहीं होती है, नारी को परिवार के दुख जो पीना पड़ते हैं वो सबसे ज्यादा नारी को पीना पड़ते हैं, स्त्री को पीना पड़ते हैं। पति तो दुकान चले जाएगा, ऑफिस चले जाएगा, फैक्ट्री चले जाएगा।